बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ नसीम आलिया, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज इब्राहिम हैदरी, कोरंगी क्रीक, कराची। दिस लेक्चर इज़ कंसर्न विद सेकेंड ईयर कॉमर्स स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट इज़ बैंकिंग। टॉपिक MCQs। First of all, before starting our lecture, I want to say to all my students, please revise all previous lectures which I delivered in the college. आपको क्लास में ये बात कई बार बताई जा चुकी है कि इस बार जो पेपर आप अटेम्प्ट करेंगे तो जो 3 घंटे का था वो अब 2 घंटे का है, और बैंकिंग के मार्क्स पहले की तरह ही 75 हैं, मगर MCQs जो कि पेपर का ए पार्ट होगा वो 50% मार्क्स पर मुश्तमिल होगा, यानी कि 38 मार्क्स आपको 75 में से MCQs सही करने की सूरत में मिल सकते हैं। सो ट्राई योर बेस्ट टू प्रिपेयर योर MCQs वेरी वेल। क्वेश्चन नंबर 1। The first bank in the Indian subcontinent was? बरेसगीर पाको-हिंद का पहला बैंक कौन सा था? Options are Bank of Bengal, Bank of India, Imperial Bank या National Bank. Which bank was the first bank in the Indian subcontinent? The right answer is Bank of Bengal. क्वेश्चन नंबर 2। इनिशियली बैंक्स वर एस्टेब्लिश्ड फॉर? बैंक की शुरुआत इस हवाले से थी। नंबर 1, मल्टीप्लाइंग मनी, ज़र में इजाफा करना मकसूद था। स्पेंडिंग, खर्च मकसद था। सिक्योरिटी, ज़र का तहफ़ चाहिए था। रिप्लेसिंग बार्टर सिस्टम या बार्टर सिस्टम का मुतबादिल लाना चाहते थे। बार्टर सिस्टम तो आप जानते ही हैं कि पहले चीज़ के बदले चीज़ खरीदी और फरोख्त की जाती थी, तो क्या बैंक इसलिए वजूद में आया कि आपको बार्टर सिस्टम की जगह कोई निज़ाम मिल सके? व्हाट वाज द रीज़न? द राइट आंसर इज़ सिक्योरिटी। इनिशियली बैंक्स वर एस्टेब्लिश्ड फॉर सिक्योरिटी। बैंक की शुरुआत इस हवाले से थी कि ज़र का तहफ़ चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 3। क्रेडिट फॉर बैंकिंग डेवलपमेंट गोज टू? ऑप्शंस आर मनी लेंडर, गोल्ड स्मिथ, मर्चेंट्स, ऑल ऑफ द अबव। कौन से लोग बैंक की तरक्की के बुनियादी सबब हैं? कर्ज फराहम करने वाले, सुनार, सौदागर, मंदरजा बाला सब। मतलब बैंक की तरक्की का सेहरा किन लोगों के सर है? Which people played an important role in the development of bank? All of the above. Credit for banking development goes to all of the above. Mandarja wala sabhi, karz faram karne wale bhi, sunar bhi, saudagar bhi, in sab ne bank ki tarakki mein ahem kirdaar ata kiya hai. Question number 4. A bank is the manufacturer of accounting system, industries, trade or credit. Which option is right? Bank accounting system, industries ya trade ka paidakar nahi hai, magar bank aitbari zar ke phailav ka bais banta hai. Bank aitbari zar matlab karza ya credit money ka creator hai, isiliye option number 4 क्रेडिट इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, बैंक से क्रेडिट मनी का फैलाव होता है, इसीलिए इसे क्रेडिट या क्रेडिट मनी का मैन्युफैक्चरर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5। द फर्स्ट बैंक एस्टेब्लिश्ड इन पाकिस्तान वाज? नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, हबीब बैंक और मुस्लिम कमर्शियल बैंक। पाकिस्तान का पहला बैंक कौन सा है? करेक्ट आंसर इज हबीब बैंक। क्वेश्चन नंबर 6। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान केम इन टू बीइंग इन 1947, 1948, 1949
और 1950। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के क़याम का साल कौन सा है? जवाब है 1948। क्वेश्चन नंबर 7। बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन पाकिस्तान इन? पाकिस्तान में बैंकों के कौमियाए जाने की तारीख कौन सी है? स्टूडेंट्स लुक एट दी ऑप्शन नंबर ए, देयर इज़ अ प्रिंटिंग मिस्टेक, प्लीज़ करेक्ट इट। नॉट जुलाई 1947, इट इज़ 1974। सो ऑप्शंस आर जुलाई 1974, मार्च 1974, नवंबर 1973 और जनवरी 1972। विच आंसर इज़ दिस क्वेश्चन? इसका जवाब है ऑप्शन ए, जुलाई 1974। क्वेश्चन नंबर 8। बैंक्स प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस स्टार्टेड इन? इस साल बैंकों को प्राइवेटाइज करने का अमल शुरू हुआ। 1980, 1985, 1995, 1991। The answer is 1991. Question number 9. In 1947, Pakistan's banking system was run by? Options are State Bank of Pakistan, Reserve Bank of India, Habib Bank, Bank of England. इसका जवाब है ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। इन द बैंकिंग हिस्ट्री द फर्स्ट एवर रेगुलर बैंक इज? ये बैंकिंग की तारीख का पहला बाकायदा बैंक है। प्लीज चूज द राइट आंसर। बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ वेनिस, बैंक ऑफ बार्सिलोना। द राइट आंसर इज बैंक ऑफ वेनिस। इंशाल्लाह अगले चैप्टर के MCQs अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग केयरफुली।